वहीं भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक तेज गर्मी का अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में आज हीटवेव चलेगी। वहीं पश्चिम बंगाल में सीवियर हीटवेव की चेतावनी जताई गई है। इन चारों राज्यों में तापमान भी 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में आने वाले 4 से 5 दिनों में 42 डिग्री से भी पारा पार पहुंचेगा। हालांकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश का भी अनुमान है, लेकिन इससे गर्मी का असर कम नहीं होगा। गर्मी को देखते हुए उड़ीसा में 25 अप्रैल से बच्चों की स्कूल की छुट्टियां घोषित की गई हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भी सभी स्कूल 15 जून तक बंद रहेंगे। उधर राजधानी दिल्ली में भी तेज गर्मी का असर जारी है। हालांकि यहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा कि अप्रैल महीने के आखिर में यहां तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचेगा। देश में गर्मी के असर के बावजूद 21 राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। इनमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक हीट वेव तब चलती है जब मैदानी इलाकों में टेम्परेचर 40 डिग्री, कोस्टल यानी कि तटीय इलाकों में 37 डिग्री और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री हो जाए। सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर हीट वेव और 6.4 डिग्री का इजाफा होने पर सीवियर हीट वेव चलती है।